हेलो दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है अनिकेत गीता ब्लॉग में। आज हम लोग खाना बनाएंगे। उस खाने में आज हम कुछ भर के बनाएंगे क्योंकि आज 31 दिसंबर है। और मैडम जी का थोड़ा सा मन ठीक नहीं है, वो छत पे जाके सोई हुई है। तो आज हम लोग कुछ भर के बनाएंगे। तो हमारे दिमाग में आया कि क्या क्या चीज़ है भरने के लिए। तो आज हमने बंदा गोभी ले लिया है, और शिमला की मिर्च ले लिया है, और ये मटर ले लिया है, और आलू। ये तीनों को मिक्स करके हम भरेंगे। तो पहले पहले इसको काट लेते हैं बारीक बारीक, और हमको सेकने तो आता नहीं है, सिकवाएंगे तो उन्हीं से। उनको बोलेंगे कि आप सेकिए, हम भर के देते हैं। तो उनको बुलाएंगे थोड़ी देर बाद, देखिए कैसे कैसे काट लिए हैं बंदा गोभी को, और इस तरह से थोड़ा बारीक कर ले रहे हैं। ये देखिए, ये बचिया और इसको मैं सोच लिया हूँ कि इसको उबाल देता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि कच्चा रह जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा। बॉयल कर देते हैं। ये देखिए, थोड़ा सा पानी रख के इसको बेटा जी इतना में ही कर दीजिए, हाँ बॉयल, ये हो जाएगा अपने आप। इतना में हो जाएगा ना कि जल जाएगा। अभी बंद कर। तो दोस्तों ये देखिए, बॉयल हो गया बंदा गोभी। अब इसको ना, इसको छान लेते हैं हम सूती के कपड़ों में। तो ये देखिए, इसको एक ऐसा पैन में लेते हैं, और ये सूती का कपड़ा है। इस सूती के कपड़े के अंदर में ये इसको सारा को ऐसे डाल देते हैं। ये देखिए इस तरह से। इस तरह से ये छान लेते हैं, ठीक है। देखिए इसे पानी। देखिए दोस्तों, बंदा गोभी के जो वो होते हैं उसको निकाल करके और धुल करके, इसको बॉयल करके और पानी निचोड़ करके ये रख दिए हैं। ये बनेगा। और ये शिमला मिर्च है, और इसके अंदर में ये मटर रख दिए हैं। दोनों के एक ही बार में बॉयल करना है, इसलिए इसको अंदर में ऐसे डाल दिए हैं। और बना रहे हैं हम, प्याज को जो है वो काट ले रहे हैं। कुछ मसाला बनाएंगे, और मसाला में सारे जितने भी हो गए भरने का जो सामान होता है स्टफी, उसको इसमें मिक्स करके और फ्राई करेंगे। तो ले रहे हैं दोस्तों हम, ये प्याज है, प्याज काट रहे हैं। ऐसे सही से हमको आता है नहीं काटने, लेकिन हम ट्राई कर रहे हैं, सीख रहे हैं। बचपन से तो हमको आया नहीं करने, हम सीखे नहीं, हमको ज़रूरत भी नहीं पड़ा, क्योंकि हम 6 भाई बहन हैं, जिसमें हमारे 4 बहन हैं। कभी हम लोग, हमको इस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। और शादी हो गई उसके बाद से तो श्रीमती जी खाना बना के खिला रहे हैं। अब कभी कभी बीमार पड़ जाते हैं तो फिर दिक्कत हो जाता है। तो आज हम सोच रहे हैं 31 दिसंबर को, उनका भी थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं है, छत पे चली गई हैं, तो आज हम बना रहे हैं। देखिए और ट्राई कर रहे हैं कैसा हो रहा है, आप लोगों को बताएंगे खा करके क्या हो रहा है। ये प्याज, ये देखिए दोस्तों, शिमला मिर्च और ये जो मटर है वो बॉयल हो गया है। ये देखिए, ये शिमला मिर्च है, ये देखिए दोस्तों छन गया, और इसका भी पानी को निकालना पड़ेगा। स्टफी सही नहीं बनेगा फिर। ये देखिए दोस्तों, ये इस तरह से करके, और ये शिमला मिर्च का पानी को बाहर निकाल लेते हैं।
और ये दोस्तों ये मटर हो गया, इस मटर को भी इधर निकाल के। दोस्तों ये चॉप किया हुआ प्याज है, यार हम लोग ज्यादातर ऐसे ही करके गांव में खाते थे, जिसको कुतरी बोलते हैं, कुतरी कर लिए हैं। और ये देखिए इसको ना थोड़ा भूनेंगे, थोड़ा फ्लेम ज्यादा कर देते हैं, इसको रेड करते हैं, रुक देते हैं। ये देखिए मिर्ची और अदरक साथ में डाल दिए हैं, तीनों चीजों को इसी तरह मिक्स करेंगे पहले। क्रश करने के लिए गिलास का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इस प्रकार से। और ये दोस्तों ये आपके बंदा गोभी का जो था वो है, और ये शिमला मिर्च डाल दे रहे हैं इसमें, और इस प्रकार ये सारे इसमें मिक्स करेंगे। ना बेटा ये खा करके क्या रहता है इसका स्टफी का कैसा लगा? कुछ ऐसा कुछ खराब सा, कुछ खटापन ये वो इधर उधर है? आलू बंद गोभी और मटर। अच्छा अच्छा ठीक है, देखते हैं। गीता वाकई में ये रोटी जो है ना भर करके बना है, बहुत अच्छा ही लग रहा है देखने में। वाह, अभी देखिए अंदर से कैसा लग रहा है, इसको खा करके आपको बताते हैं इसका टेस्ट कैसा है, क्योंकि पहली बार एक्सपेरिमेंट में बना है, ठीक है ना जी? हाँ, कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा, इतना अच्छा लग रहा है, है? बताओ, इसमें शिमला मिर्च भी डाला हूँ मैं, और बंदा गोभी, आलू और मटर, चारों सामान को बनाया हूँ, कितना बढ़िया लग रहा है जी। वाकई में टेस्ट कुछ अलग ही लगता है इसका। हाँ, मैंने भी खाई थी, बहुत अच्छा लगा था। तो दोस्तों आप लोग भी बना करके खा करके ट्राई कीजिएगा, देखिएगा कैसा लग रहा है आप लोगों को, लेकिन हम लोगों को तो बहुत उम्दा लगा। तो दोस्तों आप लोग मेरे वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें, और जो लोग नए जुड़ रहे हैं मेरे वीडियो में वो सब्सक्राइब जरूर करें। ये देखिए, थैंक यू दोस्तों, ये देखिए रोटी। बाय बाय दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।